नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में महापौर के लिए दोनों दलों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब महासंग्राम की तैयारी है। भाजपा ने 13 शहरों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं तो कांग्रेस पहले ही 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। मतलब 13 नगर निगम में मुकाबला लगभग तय है। भाजपा में अभी भी इंदौर, ग्वालियर और रतलाम में प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची जारी है। इधर कांग्रेस में सिर्फ रतलाम को लेकर पेच फंसा है। आखिर ये पेच कहाँ फंसा है? क्या इंदौर में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए भाजपा को जिताई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? क्या ग्वालियर में दो दिग्गजों के फेर ने उलझन बढ़ाई है या रतलाम को लेकर क्या तनातनी है? इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर भाजपा ने अपने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अनिश्चितता और अव्यवस्था का ऐसा दौर जो कभी कांग्रेस में होता था, अब भाजपा में भी देखने को मिला। लगातार बैठकों का दौर चला, कहीं परिवारवाद आड़े आया तो कहीं उम्र का बंधन, तो कहीं विधायकों को टिकट न देने की गाइडलाइन ने प्रत्याशी चयन करने में भाजपा नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। ऊपर से दिग्गज नेताओं के फेर ने पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी। खुद मुख्यमंत्री को सूची लेकर सोमवार को दिल्ली तक जाना पड़ा और सोमवार शाम को ही वापस लौटकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उसके बाद फिर एक बैठक हुई और आखिरकार नामों की सूची जारी कर दी गई। हालांकि भाजपा महापौर प्रत्याशी चयन करने में अभी भी कांग्रेस से पीछे है। कांग्रेस 15 शहरों में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वहीं भाजपा ने अभी 13 शहरों के लिए अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस में केवल रतलाम सीट को लेकर पैच फंसा है तो भाजपा में अभी भी इंदौर, ग्वालियर और रतलाम सीट को लेकर माथापच्ची जारी है। प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। अभी तीन नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर, वो जल्दी ही आपको वो भी घोषित हो जाएगा। देखिए, अभी तो इन्होंने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें 13 ही नाम दिए हैं और ये काफ़ी पिछड़ गई है भाजपा, क्योंकि कांग्रेस ने, हमने तो 15 प्रत्याशियों की सूची ऑलरेडी जारी कर दी है और जिन जगहों पर ये अभी महापौर के प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं वहाँ पर तो बहुत फाइट चल रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के आगे इनके पास उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो अभी तो ये स्थिति है, देखना है आगे क्या होता है। अब मध्य प्रदेश के नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद 13 सीटों पर साफ हो गया है कि मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच होगा। भोपाल ओबीसी महिला सीट पर मालती राय और विभा पटेल के बीच मुकाबला होना है। इंदौर अनारक्षित सीट को बीजेपी ने अभी होल्ड पर रखा है, जबकि कांग्रेस से संजय शुक्ला मैदान में है। जबलपुर अनारक्षित सीट पर बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र जामदार और कांग्रेस से जगत बहादुर सिंह अन्नू मैदान में है। ग्वालियर अनारक्षित महिला सीट को बीजेपी ने अभी होल्ड रखा है, जबकि कांग्रेस ने शोभा सिकरवार को मैदान में उतारा है। उज्जैन एससी सीट पर बीजेपी के मुकेश टटवार और कांग्रेस के महेश परमार के बीच मुकाबला होगा। सागर अनारक्षित महिला सीट पर बीजेपी की संगीता तिवारी और कांग्रेस की निधि जैन के बीच कांटे की टक्कर होगी। रीवा अनारक्षित सीट पर बीजेपी से प्रबोध व्यास और कांग्रेस से अजय मिश्रा मैदान में है। मुरैना एससी महिला सीट पर बीजेपी से मीना जाटव और कांग्रेस से शारदा सोलंकी मैदान में है। सतना ओबीसी सीट पर बीजेपी के योगेश ताम्रकार और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा का सामना होगा। कटनी अनारक्षित महिला सीट पर बीजेपी की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल के बीच सीधा मुकाबला होगा। सिंगरौली अनारक्षित सीट पर बीजेपी के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा और कांग्रेस के अरविंद सिंह चंदेल आमने सामने होंगे।
रतलाम ओबीसी सीट को लेकर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही पेच फंसा है। खंडवा ओबीसी महिला सीट पर बीजेपी से अमृता यादव तो कांग्रेस ने आशा मिश्रा को मैदान में उतारा है। बुरहानपुर अनारक्षित महिला सीट पर बीजेपी ने माधुरी पटेल तो कांग्रेस ने शहनाज अंसारी को मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा एससी सीट पर बीजेपी के अनंत ध्रुवे और कांग्रेस के विक्रम अहाके के बीच मुकाबला होगा। देवास अनारक्षित महिला सीट पर बीजेपी से गीता अग्रवाल तो कांग्रेस से विनोदिनी व्यास मैदान में है। भाजपा अपने क्राइटेरिया के मुताबिक किसी ऐसे प्रत्याशी को नहीं उतार रही जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। ये भी तय था कि मूल कार्यकर्ता को ही टिकट देना ठीक रहेगा। इसके अलावा परिवारवाद से भी परहेज किया गया है। किसी भी सांसद विधायक को टिकट नहीं दिया जा रहा, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार चयन में परिवारवाद जमकर हावी रहा। उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, विधायकों को भी टिकट दिया जा रहा है। अब ऐसे में निगम चुनाव में जनता किसकी रणनीति पर मोहर लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आने वाले दिनों में अब क्या समीकरण बनेंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, और जो 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेसी और 3 बीजेपी जो उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, उसके पीछे कारण क्या है, इसी तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। हमारे दर्शकों के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय खिमरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका सबसे पहले अनादि टीवी पर। और कांग्रेस की लिस्ट भी आपने देखी और बीजेपी के जो नाम आज घोषित हुए हैं, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया कि क्या देख रहे हैं आप सिन? देखिए 2023 के चुनाव से पहले का ये एक तरह से अर्बन इलाकों में तो एक तरह से सेमीफाइनल इसको माना जा सकता है। तो जिस लिहाज से बीजेपी ने टिकट दिए हैं, जो अभी 13 मेयर के टिकट अभी जारी किए हैं, उससे मुझे लगता है क्राइटेरिया का पालन तो पार्टी करने में सफल रही ही है। बिल्कुल। और जो जबलपुर में रीवा और सतना के टिकट देख रहा था, तो जो मूल कार्यकर्ता है कैडर का, उसे बीजेपी ने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। तो ये पहला तो मेरा ये रिएक्शन यही है कि जो क्राइटेरिया तय किया था, उस क्राइटेरिया को लगभग 90% मामलों में तो बीजेपी ने एग्जीक्यूट करा ही लिया है। अब रही बात जो 3 मामले फंसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो तीनों के तीनों मामले आम सहमति से तय नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हुई है। तो ये भी कह सकते हैं हाथी तो निकल गए, ये पूंछ कहाँ अटक गई है? तो पूंछ ग्वालियर और आपके इंदौर में अटकना स्वाभाविक है, क्योंकि इंदौर और ग्वालियर मध्य प्रदेश की बीजेपी राजनीति का सबसे बड़े शक्ति केंद्र भी है। ग्वालियर हमेशा से जनसंघ के जमाने से बीजेपी का एक बड़ा सेंटर रहा है, और वहां जिन 2 नामों की चर्चा मीडिया में है, माया सिंह और सुमन शर्मा, दोनों अपने आप में बहुत सक्षम नाम है। माया सिंह के आने के बाद ऐसा भी हो गया कि करेला और नीम चढ़ा, आप कह सकते हैं करेला और नीम चढ़ा। अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी इतनी बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को डिलीट करके बीजेपी में आए हैं, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि उनकी रायशुमारी को दरकिनार कर दिया जाए। और कम से कम निश्चित तौर पर जब कांग्रेस में होते तब भी उनकी रायशुमारी प्रधानता थी, और बीजेपी में जिस तरीके का अब तक का उनका टेन्यूअर रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी राय को या उनकी पसंद को पार्टी सिरे से खारिज करने का काम करेगी, क्योंकि ऐसा करना ना बीजेपी के हित में होगा ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के हित में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक का जो उनका बीजेपी में सफर है, वहाँ उन्होंने कंट्रडिक्टरी किसी तरीके की पॉलिटिक्स अभी नहीं की है। और जिस तरीके से वहाँ सुमन शर्मा और माया सिंह 2 नाम है, जैसा कि मीडिया में सुनाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कोई तीसरा नाम भी वहाँ सरप्राइज कर सकता है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल को आप बेहतर समझते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है, क्योंकि बात यही आ रही कि क्राइटेरिया की जो 13 नाम घोषित हुए हैं वो सब 60 से नीचे उम्र वाले हैं, तो एक क्राइटेरिया तो यही फंस रहा माया सिंह का कि वो 71 साल की है। नहीं नहीं, क्राइटेरिया में जो बुनियादी बात तय हुई थी कि वो पार्टी कैडर के ऐसे लोगों को देना है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल परिवारों से नहीं आएंगे, रिश्तेदारों को नहीं देना है, तो ये तो कंप्लीट आप इसको कह सकते हैं कि इसका क्रियान्वयन हुआ है। लेकिन जहाँ जबलपुर का जो टिकट दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र जामदार, तो मैं समझता हूँ 60 से ऊपर ही होंगे डॉक्टर साहब। तो ग्वालियर में अगर कोई एक्सेप्शनल मामला बनता है तो माया सिंह का नाम पे भी सहमति अंततः बन सकती है, तो इसमें कोई मुझे दिक्कत समझ में नहीं आती। लेकिन मैं अभी भी इस बात का आशंका या मेरा एक प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह
ये जो नाम मीडिया में दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा भी कोई सावित्री बाई वाल्मीकि की तरह कोई नाम बीजेपी दे सकती है? बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, क्या लग रहा है, आपको चौंका सकती है? क्योंकि अभी लगभग ऐसा हाल के कुछ सालों का हम देखें, राज्यसभा सीटों से लेके विधानसभा सीटों से लेके लोकसभा तक में, कि बीजेपी चौंकाती रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि सीट से चौंकाया हो। लगभग कमोबेश वही नाम है। चौंकने वाली ये बात है कि जिन लोगों के नाम पर चर्चा थी, इक्का दुक्का लोग शायद छूट गए, या वो लोग कौन हो सकते हैं, ग्वालियर इंदौर के संदर्भ में बात करें। देखिए मनोज जी, चौंकाने वाले नाम जब आते हैं, चाहे हम सावित्री की बात करें, चाहे कविता पाटीदार की बात करें, भले ही चौंकाने वाले नाम हम इनको कहते हों मनोज जी, लेकिन हैं वो मूल कार्यकर्ता बीजेपी के। तो आप देखिए कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती। यदि भोपाल में जो नाम चल रहे थे, चाहे पूजा चौक से हो, चाहे उपमा राय हो, चाहे गुंजन चौक से हो, चाहे मालती राय हो, निश्चित तौर पर मालती राय उनकी पुरानी कार्यकर्ता है। भले ये कहा जा रहा हो कि दो बार हार चुकी है, एक बार जीती है, लेकिन कार्यकर्ता का ध्यान तो रखा ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो महिला कांग्रेस में है। बाकी के नाम ऐसे थे कि जो आए थे, लेकिन जब राय शुमारी हुई तो एक के बाद इसी आधार पर हटे ना। यदि चौंकाने वाला नाम बाकी के जो तीन नाम मैंने लिए हैं आपको, यदि वो नाम में से एक आता तो हम कह सकते थे कि चौंकाने वाले नाम है। जो भी हमने यदि चौंकाने वाली स्थिति में इसलिए कहते हैं हम कि जैसे गुजरात का मान के चलिए कि उन्होंने अपने विधायक को, एक को पहली बार के विधायक को उठाया और सीएम बना दिया। तो चौंकाने वाला इसलिए कि निर्णय उनके चौंकाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बाहर का व्यक्ति नहीं है। खास बात यह है कि वो ये जो मैसेज देना चाहते हैं, जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वंशवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उसके साथ साथ एक मैसेज देती है मनोज जी पार्टी हमेशा, कि वो अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखती, चाहे वो आखिरी पंक्ति में बैठा हो, चाहे पहली पंक्ति में बैठा हो, चाहे बीच में बैठा हो, लेकिन है उसका कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। यदि वो उसने पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया है, तो वो चाहे सावित्री वाल्मीकि हो, वो घर में बैठी हो, तो हम उसको राज्यसभा भेज सकते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण बीजेपी देती रही है जो चौंकाने वाले कहते हैं, चाहे वो खंडवा के चुनाव की बात हो, चाहे हम अन्य जगह की बात करें। चौंकाने वाला विधानसभा में कई बार जब आ जाता है मनोज जी, जब आपके पास ऐसा कोई कैंडिडेट ना हो। पृथ्वीपुर में हमने देखा, जोबट में हमने देखा, तो ऐसे चौंकाने वाले अभी नगरी निकाय में नहीं आए मनोज जी। बिल्कुल, क्योंकि ये मूल कार्यकर्ताओं की जो रहती है, उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए, ये जो नीचे के जो पार्षद के हों, चाहे महापौर के हों, इनमें आपको ये ध्यान रखा जाता है कि भाई आप अपने ही कार्यकर्ता को टिकट दें, ताकि वहाँ चौंकाने वाली परिस्थिति इसलिए नहीं दिखती। लेकिन ये चौंकाने वाली परिस्थितियाँ आपको विधानसभा में दिखेंगी, कि आपको मान के चलिए कि कांग्रेस का बहुत अच्छा है, बसपा से लेकर आ जाए, उनको लगता है ये जीतने वाला तो उसको दे देते हैं, तब ये कहा जाता है कि हाँ चौंका दिया है, कि कोई ऐसा नया नाम है। जैसे हम जोबट की बात करें उपचुनाव में, आप देखिए जोबट में तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन एन वक्त पर वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार दावेदार थी उनको ले आए, सुलोचन और रावत को, और उसके बाद उसको टिकट दे दिया। तो ये चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन नगरीय निकाय में आप बाकी के चुनाव में आप देखेंगे ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आया। तो मुझे लगता है अभी भी जो इंदौर की बात करें हम, जो तीन सीटें बची, वहाँ ऐसे कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आएगा। जो बात कह रहे थे कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को ले आएंगे, हम किसी वकील को ले आएंगे, किसी पत्रकार को ले आएंगे, कोई समाज सेवा करने वालों को ले आएंगे, कोई डॉक्टर को ले आएंगे, शायद जो एक बीजेपी ने, जो नड्डा जी ने जो संदेश दिया था, उसके कारण जो बाकी की फहरिस्त में जो नाम जुड़ गए थे ना मनोज जी, वो इसलिए जुड़ गए थे। लेकिन बाद में जो डिसाइड हुआ कि भाई कार्यकर्ता है, तो जो चाहे वो संघ का हो, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काम करता हो। राजनीति में आप ऐसे आदमी को लाना पसंद करेंगे जो राजनीति से जुड़ा हो, सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो। बिल्कुल, इसलिए आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में जो काम कर रहा है उसका एक अपना वोट बैंक हो जाता है, उसकी एक स्वीकारता हो जाती है, उसकी एक अपनी छवि बन जाती है। और बैंक में जब पार्टी बीजेपी जैसी हो, तो निश्चित तौर पर उस पर सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस में दूसरी चीज देखना पड़ती है मनोज जी, कांग्रेस में व्यक्ति कितना पावरफुल है जो अपने दम पर ज्यादा चुनाव जीत सके। पार्टी सेकेंडरी, क्योंकि वहाँ संगठन नाम की चीज नहीं है, वहाँ नेताओं के पीछे फौज चलती है, नेताओं के पीछे कार्यकर्ता चलते हैं। उनके नेता नाराज हो गए, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो सोच लीजिए उनके कार्यकर्ता घर बैठ गए। तो सब नेताओं को समझाना पड़ता है, नेताओं को साधना पड़ता है। नेता सद गए तो कार्यकर्ता सद जाएंगे, पार्टी संगठन के कहने से कुछ नहीं होता। और बीजेपी में नेता रूट गया, लेकिन संगठन ने कहा नहीं आपको काम करना है, तो आप देखिएगा कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए लग जाएंगे जिसके लिए संगठन ने टिकट लिया। तो ये मूल अंतर है। तो अजय जी, एक मूल अंतर की हम बात करें, जो पिछली बार आपने कहा भी था कि सिंधिया जी को, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल में नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन क्या वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को नजरअंदाज कर सकते हैं? और जो खबरें आ रही हैं कि जो खबरें थी मुरैना को लेकर पेंच फंस सकता है, वो आराम से टिकट हो गया है। ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो माया सिंह तो ऐसी हैं कि दोनों की पसंद भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने जो दावेदार बनाए हैं, सतीश सिकरवार की पत्नी को, या मुरैना में जो कैंडिडेट है, उसको किस नज़रिए से देखें, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस वाकई इस बात को लेकर गंभीर है
कि जो पिछली बार सूखा था उनके पास, 16 के 16 महापौर बीजेपी के थे, उस सूखे को वो खत्म करती नजर आ रही है आपको, भले वो सीट एक हो, दो हो, चार हो? देखिए, ग्वालियर में चूंकि से संबंध दो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, तो पॉलिटिकल विमर्श में दोनों मंत्रियों का नाम आता है, लेकिन सच्चाई ये कि ग्वालियर इन मंत्रियों के अलावा भी कई बीजेपी के बड़े नेताओं का गढ़ है। यहाँ कप्तान सिंह भी हैं, यहाँ प्रभात झा भी हैं, और सेजवलकर, जयवान सिंह पवैया हैं, सेजवलकर अपने आप में एक संस्था है, चूंकि संघ का बैकग्राउंड उनके पास है। तो जो डिसीजन मेकिंग ग्वालियर को लेकर के होता है, वो ऐसा नहीं है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं, नरेंद्र सिंह नरोत्तम मिश्रा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्वालियर के चूंकि नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला भी ग्वालियर है, तो सभी बड़े नेताओं का, जो अरविंद भदौरिया का भी राजनीतिक रूप से तमाम इन्वॉल्वमेंट ग्वालियर के अंदर रहता है, ऑलरेडी मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा ग्वालियर से रहती है। बीजेपी और जनसंघ का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है ये, तो यहाँ अभी पॉलिटिकल विमर्श में लगता है मीडिया की सुर्खियों में कि सिंधिया वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो जो अगर डिसीजन मेकिंग में देरी हो रही है, तो इसका कारण केवल कोई दो केंद्रीय मंत्री नहीं है, बीजेपी की जो इनर पॉलिटिक्स है वो ग्वालियर से कहीं ना कहीं पूरे स्टेट को गवर्न करती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहां तक आपने उठाया कि कांग्रेस की जो स्थिति है, मुरैना का जो मामला है, मुरैना बेसिकली नगर पालिका है, जो बड़े नेता जो कि केंद्रीय मंत्री वहां से हैं, तो उन्होंने स्टेटस उसको दिलवा दिया है ग्वालियर की तुलना। पिछली बार भी यह था कि जो 3 लाख की आबादी होना चाहिए, लेकिन 280 के बाद भी उसको कर दिया गया था, इसलिए ऐसे ही दतिया को भी नगर निगम का स्टेटस दिलवा दिया गया। तो नगर निगम मूल चरित्र में तो ग्वालियर ही है, तो इसलिए ग्वालियर के मामले में पार्टी, ग्वालियर में हार का मतलब ये होता है कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में बड़े पावर सेंटर पर हारना। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी बहुत जल्दबाजी में, या केवल ये एक मामला हो कि दो केंद्रीय मंत्रियों की राय शुमारी एक नहीं है इसलिए मामला पेंडिंग है। इंदौर का मैसेज भी यही है, क्योंकि इंदौर में आप खुद इसको महसूस करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के सुमित्रा ताई जो कि लोकसभा की स्पीकर भी रही, और मालवा का बड़ा सेंटर है जहाँ से 66 सीटें उस मालवा अंचल की गवर्न होती है एक तरीके से, और इंदौर ने एक बड़ा काम किया है स्वच्छता के मामले में, एक बड़ी इंटरनेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी बहुत आसानी से, बहुत ही हल्केपन से, क्योंकि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं वहाँ शोभा से कर। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, जो ब्रजेश जी ने कहा कि जो नाम आ रहे हैं इंदौर से भी, वो ऐसे जो नॉन पॉलिटिकल है लेकिन अच्छे चर्चाओं में, अगर हम बात करें सचिन शर्मा की, एबीवी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लेकिन बीडी शर्मा जी चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर खरे की बात करें, उनका नाम भी संघ की ओर से बढ़ रहा है, रमेश मेंदोला एक बड़ा नाम था, तो उनको उन्होंने खुद ही अपनी दावेदारी छोड़ दी है। नहीं, तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि बीजेपी ने, अब जैसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम आप जबलपुर से अगर गौर करें, या योगेश ताम्रकार को सतना से आप देखें, रीवा में देखें उनका प्रत्याशी, तो वो संघ के बैकग्राउंड से भी हैं, वो फ्रंट लाइन के पॉलिटिकल वर्कर डॉक्टर जितेंद्र जामदार कभी नहीं रहे हैं, बेसिकली वो वहां पर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे, मूलतः वो एक डॉक्टर हैं। तो जो अभी बात नड्डा जी ने जबलपुर में जोड़ी थी, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी ससुराल में तो उसे इम्प्लीमेंट कराया ही है उन्होंने। डॉक्टर जितेंद्र जामदार एक सामाजिक नाम है राजनीतिक बाद में। योगेश ताम्रकार का मामला भी अगर आप देखेंगे तो वो भी उसी बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आते हैं। रही बात ग्वालियर में शोभा सिकरवार के कैंडिडेचर की, तो कांग्रेस में इसको लेकर के भारी अंतर विरोध है। जो स्थिति सिंधिया जी के लोगों के आने से बीजेपी में दिखाई देती है, वहां शोभा सिकरवार के कैंडिडेचर से कांग्रेस में बगावत की स्थिति है। वहां के पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा झगड़ा करते हुए बैठकों से गायब हुए हैं 3 में, और कमलनाथ तक उन्होंने इसकी शिकायत की है। इस और दूसरा रही बात नाराजगी की खबरें, तो प्रवीण पाठक को लेकर भी आई, जो कमलनाथ के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, वो भी इस निर्णय से नाराज है। जी बिल्कुल, क्यों प्रवीण पाठक क्यों चाहेंगे कि सतीश सिकरवार पार्टी के एमएलए भी रहे, और वो जो शहर में 4 असेंबली सेगमेंट को कवर करने वाला मेयर उनकी पत्नी हो, क्योंकि 1.5 साल 2 साल बाद उन्हें भी विधानसभा में जाना है। तो बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन तो कांग्रेस के अंदर भी है। लेकिन जो अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि बड़ा बुनियादी अंतर ये कि एक बार कैंडिडेटचर अगर तय हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई भी कैंडिडेट हो जिनके नाम चल रहे हैं, उन्हें आसानी से अर्बन इलाकों में बढ़त मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्व अनुमान है। ब्रजेश जी, अर्बन इलाकों में तो बढ़त मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से प्रयोग किए, क्राइटेरिया बनाया है, तमाम सारी चीज़ें की हैं, तो लग रहा है कि वाकई गंभीर है, या उनका फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव है, कि उन्होंने लग रहा है कि 22 को तो ठीक है, हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जिस प्रकार की अरुचि उन्होंने दिखाई है, उनके नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उससे भी स्पष्ट होता है। निश्चित तौर पर उनका फोकस उसी तरफ है मनोज जी, कि मिशन 2023 में किस तरह से, यदि निकाय चुनाव में वो थोड़ी भी बढ़त हासिल कर लेते हैं, अभी तो 16 नगर निगम है, 16 में से एक भी उनके पास नहीं,
मान के चलिए एक दो आएगी, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी का जो उनको उम्मीद है कि उससे फ़ायदा मिलेगा, तमाम तरह के मुद्दों से उनको फ़ायदा मिलेगा, और इसीलिए से उन्होंने बेहतर उम्मीदवार देने की कोशिश की है। मनोज, इनसे जो उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं 15 नगर निगम में, आप देखिए इनसे बेहतर उम्मीदवार उनके पास है नहीं। आप ढूंढ कर भी लाएंगे तो कोई जाएगा नहीं आपके पास। आप सक्षम रूप से देखेंगे तो चाहे वो शुक्ला जी हों, चाहे विभा पटेल हों, चाहे सिकरवार की वाइफ हों, ये सब कुशवा हों, चाहे कुशवा हो, देखिए ये खुद अपने आप में सक्षम है। किसी का पति विधायक है, कोई पहले महापौर रह चुके हैं, कोई खुद विधायक है, तो इनकी एक अपनी एक फॉलो करने वाले लोग हैं, ये खर्चा करने वाले लोग हैं, सक्षम है पारिवारिक रूप से, पार्टी इनकी सपोर्ट में है। पार्टी बीजेपी के साथ वो परिस्थिति नहीं है। बीजेपी यदि किसी को भी गरीब को भी उठाकर ले आएगी तो उसके पास सरकार है, उसके पास संगठन है, उसके पास पैसा है, तमाम तरह से वो उसके सपोर्ट में खड़ी हो सकती है। एक उम्मीदवार चाहिए उसको बेहतर, तो वो बेहतर उम्मीदवार कोई भी हो सकता है पार्टी में। बीजेपी के साथ ये प्लस पॉइंट है, कांग्रेस के साथ ये प्लस पॉइंट नहीं है। आप देखिए कांग्रेस की हम हालत देखते हैं कि उनके एसी बंद हो जाते हैं गर्मी में, कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं, पीसीसी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इस वजह से ऐसे अध्यक्ष को ढोना पड़ता है उनको कि जो खर्चा कर सके, चाहे इससे पहले ऐसे अध्यक्ष को बना के रखना पड़ता है कि जो जिला कार्यालय चला सके। उनके कार्यालय नहीं है, उनके संसाधन नहीं है, तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। तो कौन लड़ेगा चुनाव ऐसे में? तो जो उनके उम्मीदवार हैं बेहतर हैं, और जो टक्कर देने का, खुदा ना खास्ता उनके एक दो भी तीन भी जीत जाते हैं, दो ही जीत जाए, तो उनके लिए कहने को है कि सरकारी मशीनरी से, सरकार से और ऐसे संगठन से हमने लड़के दो लाए हैं, तो बाकी के जो 2023 के मिशन की बात है, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कि देखिए हमने लड़ लिया, यहाँ अच्छी मेहनत करोगे, यहाँ निष्पक्षता से चुनाव होंगे, सरकार की उतनी वो नहीं चलती है, चुनाव आयोग जब आ जाएगा तो वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से बाकी निकाय चुनाव में कर लेते हैं। तो ये प्लस पॉइंट रहता है कार्यकर्ताओं को, कैसे आप ज्यादा उत्साहित कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, हर पार्टी कोशिश करती, यही वजह है कि देखिए आप तीन विधायकों को वो ले आए, कहीं ना कहीं मनोबल डाउन करने की तो वजह रहती है कि यदि बसपा को लेकर आए तो बसपा भी मैदान में उतरने को तैयार है, सपा के आदमी को लेकर आए तो मैदान में उतर, निर्दलीय को लेकर आए, तो ये मैसेज देने का एक वो है कि भाई देखिए आज भी बीजेपी में भरोसा कर रहे हैं लोग, बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, तमाम लोग भाग रहे हैं, तो देखिए डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करता, उसी नाव में सवारी करेंगे जो आपको पार ले जाए। तो अब जब आदमी को लग रहा है कि बीजेपी पार ले जाएगी, और जो खेमरिया जी भी कह रहे थे, हम देखते हैं कि बीजेपी का माहौल मनोज शहरी क्षेत्र में रहता ही है जी, चाहे शहरी क्षेत्रों में आप देखिए किसी भी तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल रहता है, चाहे आज की बात नहीं है पहले से भी, कहते भी हैं शहरों की पार्टी है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाने लगी, वोट बैंक बनाने लगी है, लेकिन पहले शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी बीजेपी। अब यही वजह है कि देखिए 16 नगर निगम पे कब्जा था, तो अब जी देखने की बात होगी जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं कांग्रेस ने वो कितनी टक्कर दे पाते हैं, और एकजुटता जो खमरिया जी भी कह रहे थे कि जो अंदर से विवाद है वो एकजुटता जिसे हम भाजपा में देखते हैं, वो साध लेते हैं, नाराज लोगों को मना लेते हैं, वैसी कांग्रेस में परिस्थितियां नहीं देखते हैं। और एक और स्थिति भी हो गई कि अगर वो शायद पूरे उम्मीदवार 15 घोषित नहीं करते थे, एक उम्मीद कर सकते थे कि शायद बीजेपी का कोई नाराज नेता उनके पास आता दमदार, जिसको वो चुनाव लड़ा सकते थे महापौर का, ये गुंजाइश भी खत्म हो गई है। बहरहाल एक क्योंकि अब समय भी अब खत्म हो रहा है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तीन नामों पर जरूर अड़चन है, और निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा था कि एक आध दिन में उनका भी निराकरण कर लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नगर सरकार में किसका राज रहेगा इसके मुनादी कह चुके हैं, हो चुकी है। अब वो जो सारे शस्त्र हस्त्र सेनापति तैयार हैं, अब डिपेंड करेगा कि सेना कितनी मजबूती से इस रण को लड़ती है, आपसी बगावत से कौन पार पाता है, कौन कार्यकर्ताओं को साध पाता है, क्योंकि असली अग्नि परीक्षा पार्षदों के चयन में होगी, जब नीचे तक आपको नाम तय करना होंगे, और अगर उस समय बगावत हुई तो वो बहुत समय तक हम देख सकते हैं कि वो परिणामों को प्रभावित करने में सक्षम होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।